ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एक बयान से पूरे ब्रिटेन में बवाल मचा हुआ है। मामला 3 साल पुराना है, लेकिन इस पर मचा घमासान नया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान ऋषि सुनक ने कहा था, लॉकडाउन से बेहतर है कि कुछ लोगों को मरने दिया जाए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि सुनक के सीनियर एडवाइजर डोमिनिक कमिंस ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वॉल्सन ने अपनी डायरी में सुनक के इस बात को नोट किया है। वॉल्स ने डोमिनिक कमिंस के हवाले से यह बात कही है। दरअसल कोरोना पर हुई मीटिंग के दौरान जब कमिंस से यह पूछा गया कि राष्ट्र स्तर पर लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, इस पर सुनक ने कहा, लॉकडाउन लगाने से बेहतर है कुछ लोगों को मरने दो। बता दें कि वॉल्स ने 4 मई 2020 को ही मीटिंग का जिक्र किया। दरअसल ऋषि सुनक जिस समय ये बयान दिया था उस समय वो चांसलर थे। सुनक के बारे में इस खुलासे को लेकर ब्रिटेन की सियासत में घमासान मच गया है। वहीं इस बीच पीएम सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि सबूत पेश करने के बाद ही प्रधानमंत्री इस पर कुछ बयान देंगे। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना से 2,20,000 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि कोरोना ने जनवरी 2019 के बाद से ही दुनिया भर में कहर भर पाया था। इस वैश्विक महामारी की वजह से दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी और लंबे वक्त तक लोग लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद रहे। भारत में कोरोना का पहला 18 फरवरी 2020 को एक्सेस किया गया था। इसके बाद दिन प्रतिदिन इसके आंकड़ों में इजाफा होता गया। भारत में कोरोना से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई है।